जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कूलाम्स लॉ के बारे में, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। कूलाम्स ने अपना ये जो लॉ था चार्जेस के लिए दिया था, जो हमारे चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जब ये किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे जाते हैं तो इनके बीच में एक फोर्स लगना शुरू हो जाती है। इस फोर्स को आखिरकार इन्होंने देखा, ये जो फोर्स लग रही है ये कितनी होती है, कितने अमाउंट में लगती है, इसकी इन्होंने वैल्यू फाइंड कर हमको दी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या होती है आखिरकार। तो देखिए, प्रॉपर्टी पहले एक समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा है, अगर हमारे पास कभी भी अनलाइक चार्जेस हो तो बच्चों वो हमेशा करते हैं अट्रैक्ट। जैसे यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव है और नेगेटिव, तो ये आपस में क्या करेंगे, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अनलाइक चार्जेस है। अगर हमारे पास कोई दो लाइक चार्जेस आ जाए तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी आपने देखी अभी, इस प्रॉपर्टी में ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब अनलाइक चार्जेस थे तो तब भी एक फोर्स लगी, और जब लाइक चार्जेस आए तब भी एक फोर्स लगी, तो कूलाम्स लॉ इसी फोर्स के पीछे पड़ गए। आखिरकार ये फोर्स कितनी लग रही है, देखिए कूलाम्स लॉ का क्या कहना था। सपोज करिए हमारे पास ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, अब ये किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब इनका कहना था कूलाम्स का कि इनके बीच में ये जो फोर्स लग रही होगी ये डिपेंड करेगी Q1 पर, यानी जो पहली बॉडी है इस पर कितना चार्ज है, और ये डिपेंड कर सकती है Q2 पर भी कि जो दूसरी बॉडी है ये इस पर कितना चार्ज है, या फिर हम डायरेक्टली कह सकते हैं ये जो फोर्स है ये डिपेंड करती है इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। ये इनका पहला स्टेटमेंट था। अब इनका दूसरा स्टेटमेंट क्या था, इन्होंने बोला कि जब कभी भी दो चार्जेस किसी एक डिस्टेंस पर रखे हो, सपोज आर, तो इनका कहना था यहाँ पर जो फोर्स है अब वो डिपेंड करेगी डिस्टेंस पर भी। कैसे, देखिए इनका कहना था ये जो फोर्स है जो इनके बीच में लग रही है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगती है डिस्टेंस के साथ। आइए इसको जरा हम समझते हैं कैसे डिस्टेंस कम ज्यादा करने से फोर्स का वेरिएशन होता है। यानी इसका कहने का मतलब है, अगर हम डिस्टेंस ज्यादा करेंगे तो फोर्स कम होगी, डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी। चलिए इसे समझते हैं। अब देखिए बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर कि कैसे चार्जेस के बीच में जो है फोर्स का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए दो चार्ज बॉडी है Q1 एंड Q2, दोनों पर सेम चार्ज है। आप देख सकते हैं चार्ज वन पहली बॉडी पर चार्ज है माइनस का 10 माइक्रो कूलम, दूसरी बॉडी पर भी चार्ज है प्लस का 10 माइक्रो कूलम। यानी अनलाइक चार्जेस हैं दोनों पर, अपोजिट हैं। अब क्या है, इनके बीच में कुछ गैप है, तो देखिए इनमें अभी भी फोर्स लग रही है। कितनी फोर्स है लिखी हुई है, 777 न्यूटन फोर्स लग रही है। यानी दोनों चार्ज बॉडी आपस में एक दूसरे पर सेम अमाउंट में फोर्स लगा रही है। अब देखिए, जैसे ही मैं इन चार्ज बॉडीज के बीच की डिस्टेंस को कम करूंगा तो आप देखिएगा इनके बीच की जो फोर्स है 700 से बढ़ती जाएगी। देखिए कितनी होती जा रही है, 1000 में पहुंच गई, 2000 हो गई, और जैसे ही मैं इनको टच करा दिया तो यहाँ पर देखिए फोर्स सबसे ज्यादा 4000 न्यूटन। तो यहाँ पर डिस्टेंस को जैसे ही मैंने कम किया तो फोर्स बढ़ने लगी। अब देखिए, अब मैं इस डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ, इनके बीच का जो गैप है इसको इंक्रीज करता हूँ, तो देखते हैं फोर्स क्या होगी। तो देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा हूँ तो देखिए फोर्स कम होती जा रही है। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है फोर्स कम होती है, और डिस्टेंस कम होती है तो फोर्स बढ़ती है। इस तरीके से यहाँ पर फोर्स का होता है इनवर्स रिलेशन विद डिस्टेंस। अब देखिए, कूलाम्स लॉ के दोनों स्टेटमेंट हमने पॉइंट आउट कर लिए। इनका पहला स्टेटमेंट था फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दूसरा इनका स्टेटमेंट था फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहाँ तक इन्होंने दो बातें बता दी। अब देखिए, जब हम इन दोनों बातों को बच्चों यहाँ कंबाइन करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या फॉर्म आती है, हमारे पास फॉर्म आती है बच्चों एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब हम इस डायरेक्टली के साइन को यहाँ से हटाएंगे तो हम एक कॉन्स्टेंट का यूज करते हैं, दैट इज के। अब हम ये देखते हैं कि आखिरकार कॉन्स्टेंट कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, ये जो कॉन्स्टेंट है के, इसकी वैल्यू होती है के इक्वल टू 1/4πε₀। अब जब हम इस के की वैल्यू को, दैट इज 1/4πε₀, इसको यहाँ पर रख देते हैं तो देखिए हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आता है बच्चों वो ये होता है F इक्वल टू 1/4πε₀ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये है कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला। जब कभी भी आइदर लाइक चार्ज या फिर अनलाइक चार्ज रखे हो किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर तो उनके बीच में लगती है ये फोर्स। इस फॉर्मूले से हम उनके बीच की फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक डाउट आ रहा होगा आप लोगों को, ये जो नया सिंबल यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज ε₀, ये कॉन्स्टेंट में ऐसे अजीब और गरीब सिंबल्स क्यों लगा देते हैं, तो इसका मैं मतलब आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों लगाया इन्होंने। तो देखिए यहाँ पर ε₀ का नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब होता है यहाँ पर क्या होता है, ये जो फोर्स जब लगती है चार्जेस के बीच में ये मीडियम पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल,
जब बच्चों चार्जेस हमारे एयर में रखे होते हैं तो इनके बीच का जो फोर्स का इंटरेक्शन होता है वो काफी ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए देखिए अनलाइक चार्जेस हैं एयर में रखे हुए हैं तो यहाँ पर इनके बीच में फोर्स काफी ज्यादा लगेगी और ये बहुत जल्दी आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे। देखिए आप इस तरीके से यानी इनमें काफी ज्यादा फास्ट अट्रैक्शन हुआ। अगर मैं इन्हीं चार्जेस को वाटर में रख दूं तो आप देखिएगा इनके बीच का जो इंटरेक्शन है काफी स्लो हो जाएगा। देखिए काफी स्लोली ये मूव कर रहे हैं तो रीजन क्या हुआ, जैसे आपने मीडियम बदला तो जो फोर्स लग रही थी इन्हीं चार्जेस के बीच में सेम चार्जेस थे वो डाउन हो गई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो फोर्स है मीडियम पे भी डिपेंड करती है। तो मीडियम को दिखाने के लिए यहाँ पर हमने एक सिंबल इंट्रोड्यूस किया, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यही था आज की वीडियो में कूलम्स लॉ के बारे में। हमने आज इनका पढ़ा फॉर्मूला कि चार्जेस जो होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगती है वो कितने अमाउंट में लगती है, उसका क्या मैग्नीट्यूड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।